आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार 25 जुलाई 2024 को देश के हृदय प्रदेश के सिवनी जिला मुख्यालय में मशाल रैली निकाली गई। दरअसल कारगिल युद्ध के शहीदों को सम्मान में ये रैली निकाली गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले इस रैली का आयोजन किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस वैसे तो हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 में लद्दाख में उत्तरी कारगिल जिले की पहाड़ियों की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना को उनके कब्जे वाले स्थान से खदेड़ने के लिए कारगिल युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाया जाता है। शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने युद्ध में अपनी भागीदारी से इनकार किया और ये दावा किया कि कश्मीरी आतंकवादियों के कारण हुआ था। हालांकि हताहतों द्वारा छोड़े गए दस्तावेज, युद्धबंदियों की गवाही और बाद में पाकिस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पाकिस्तान की सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ के बयान से जनरल अशरफ रशीद के नेतृत्व में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों की भागीदारी की ओर इशारा किया गया। हर साल विजय दिवस 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है। ये पूरे भारत में इसे बहुत ही गर्व के साथ मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री हर साल इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को याद करने के लिए पूरे देश में समारोह आयोजित किए जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शुक्रवार से नगर पालिका चौराहे तक मशाल जुलूस निकाला गया। यहाँ आप देख सकते हैं मशाल जुलूस पूरी शांति के साथ, पूरे सम्मान के साथ, शहीदों के सम्मान में, कारगिल में युद्ध लड़ने वाले सैनिकों के सम्मान में कारगिल विजय दिवस हर एक हिंदुस्तानी के, हर एक भारतीय के सीने में देश प्रेम की अलख जगाता हुआ दिखता है। 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने कारगिल की पहाड़ियों पर 5,000 से ज़्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। इस तरीके की जो जानकारियां हैं वो मिलती हैं। इसे लेकर 5 मई को भारतीय सेना गश्त पर निकली। पाकिस्तान की सेना के द्वारा भारत के कुछ जवानों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी गुटबाजियों ने कारगिल से खदेड़ने के लिए पाकिस्तानी घुसपैठियों को, पाकिस्तान के जितने घुसपैठिए थे उन्हें कारगिल से खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। इस युद्ध में 2,00,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। ये युद्ध लगभग 60 दिनों तक, 2 महीनों तक चला था। 26 जुलाई 1999 को आधिकारिक रूप से कारगिल युद्ध समाप्त हुआ था और भारत की विजय गाथा हर ओर तब से अब तक गाई जाती रही है। तब से 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस बार कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ इस बार मनाई जा रही है। वैसे 26वां कारगिल विजय दिवस है पर वर्षगांठ 25वीं है। इस मौके पर प्रधानमंत्री भी 26 तारीख को देश को संभवतः संबोधित कर सकते हैं। वे भी बता सकते हैं कारगिल, वैसे कारगिल के मामले में बताने की जैसी कोई बात शायद नहीं रह जाती, क्योंकि आज जवान हो रही पीढ़ी इस बात की गवाह है कि कारगिल जब विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं नगरपालिका के सामने मशाल लेकर आए भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों के द्वारा दीप जलाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। सबके हाथ में यहाँ आपको मशाल भी दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बड़ी तादाद में हिस्सा लिया गया।
इस दौरान आप देख सकते हैं सारे नेता यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। वो मशाल लेकर वे शुक्रवारी चौराहे से, शुक्रवारी का जो चौक है, शुक्रवारी के चौक से नगर पालिका तिराहे तक ये सारे के सारे मशाल लेकर चलते हुए आए। नेहरू रोड से होते हुए यहाँ पहुँचे। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, पर पूर्व संध्या पर यहाँ आप देख सकते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये कार्यक्रम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। और इस दिन आपको हर साल तरह तरह के मैसेजेस, कोट्स सोशल मीडिया पर दिखाई देना आपको आरंभ हो जाते हैं, और 25 जुलाई की रात से ही लोगों के मन में कारगिल विजय दिवस कहीं ना कहीं याद आना आरंभ हो जाता है, और लोग तरह तरह के देश प्रेम की अलख जगाने वाले कोट्स और तरह तरह के संदेश सोशल मीडिया पर डालने लगते हैं। देख सकते हैं तिरंगा यहाँ पर लहराते हुए दिख रहे होंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। मशाल उनके हाथ में आपको दिखाई दे रही होगी। मशाल लेकर वे सारे लोग यहाँ पर विजय दिवस को प्रतीकात्मक रूप से मनाते हुए दिख रहे हैं। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय सिवनी का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। बृहस्पतिवार 25 जुलाई 2024 का ये हम आपको यहाँ पर नज़ारा दिखा रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा रील्स भी बनाई गई जो आपको सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई दे रही होंगी। यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर रील्स बहुत सारी आपको दिखेंगी, एक के बाद एक देश प्रेम का जज्बा जगाती हुई ये सारी रील्स आपको कहीं ना कहीं संदेश और रील्स दिखाई देंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।